नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बिछिया नगर परिषद भूआ बिछिया क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 और 10 के बीच जो रोड बनाई जा रही है वो 170 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर मोटी है, जिसकी लागत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें वार्ड वासियों ने नगर परिषद और ठेकेदारों पर मनमानी से निर्माण भ्रष्टाचार कार्य कराए जाने के आरोप लगाए हैं। ठेकेदार के द्वारा मानक स्तर का काम नहीं किया जा रहा है, इसका स्थानीय जनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। गुणवत्ता विहीन निर्माण को लेकर आमजन शिकायत कर जांच की कार्यवाही की मांग कर रही है। बताया गया है कि वार्ड क्रमांक 9 और 10 के बीच रोड बनाई जा रही है, जिसमें 18 तसला गिट्टी, 12 तसला रेत और एक बोरी सीमेंट डाली जा रही है, जो स्टीमेट में ये नहीं है। गुणवत्ता भी निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय जनों में रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह के घटिया निर्माण से सड़क का एक सीजन भी नहीं टिक पाएगी। नागरिकों की मांग निर्माण कार्य गुणवत्ता से बनाई जाए। जब इस विषय में मीडिया के द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों से जानकारी लेने चाहिए तो टाल मटोल करते नजर आए। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? वार्ड नंबर 9 एवं वार्ड नंबर 10 दोनों के बीचों बीच जो रोड बनाई जा रही है CMO निवास से आगे तक जो 170 मीटर है उसे गुणवत्ता विहीन बनाया जा रहा है। जब मैंने वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 रेजा जो गिट्टी डाल रही हैं वो 6-6 तसला डालती हैं। इस प्रकार 18 तसला गिट्टी हुई और 3 रेजाओं से जब मैं पूछा जो रेत डाल रही हैं तो उन्होंने कहा 4-4 तसला हम रेत डाल रहे हैं। इस प्रकार 12 तसला रेत, 18 तसला गिट्टी एवं एक बोरी उसमें सीमेंट डाली जा रही है, जो ठेकेदार और नगर पालिका की मनमर्जी से काम चल रहा है। इसमें दोनों के भ्रष्टाचार की पोल को खोल रहा है। जब नगर पालिका के कर्मचारी को मैंने बुलाया और वह वहाँ आया तो उसने भी लेबरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग 18 तसला उसमें गिट्टी डाल रहे हैं, 12 तसला रेत और एक बोरी सीमेंट।